बारामूला जिले के गुलमर्ग में नागिन इलाके में एलओसी के पास 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए। इसके अलावा दो पोर्टर की भी मौत हो गई। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं। वे पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए थे। सभी घायलों को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। माना जा रहा है कि हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीरी के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की होगी। जम्मू कश्मीर में बीते एक हफ्ते में गैर कश्मीरियों पर हुआ यह तीसरा हमला है। इससे पहले 20 अक्टूबर को गांदरबल और 18 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए राजभवन में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इसमें नॉर्थ विंग कमांडर, जम्मू कश्मीर डीजीपी, कोर कमांडर और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए।